अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक ही होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआ से बहुत अच्छी हूँ। आज मैं उठ चुकी हूँ 6 बजे, और मुझे 6 बजे जगने थे क्योंकि मुझे वीडियो का काम था और इसमें मुझे लग गए 1 घंटे, तो अभी बज रहे हैं 7। और आलू हमारे घर ज़्यादा बनते नहीं हैं, तो आलू पड़े पड़े सड़ रहते, मतलब ज़्यादा थे भी नहीं घर पे, 6 से 7 आलू थे जिसमें से 2-3 खराब ही निकल गए थे। उसके बाद जो शाफी बहुत टाइम से बोल रही थी कि मुझे सूखी वाली भाजी बना दो आलू की, उसे टिफ़िन लेके जानी थी, तो मैंने सोचा उसके नाश्ते के लिए बना दो क्योंकि वो बोल रही थी कि मुझे नाश्ता में भी खाना है। तो फिर मैंने उसे छीला वेला, और मैं अभी बज रहे थे 7 ही जब मैं कुकिंग कर रही थी, और मैं डेली सो के जगती हूँ 9:30 बजे। हाँ, फिर मैं दोबारा सोने गई अपना काम करके, तो मुझे नींद ही नहीं आई। आप लोग के साथ भी होता होगा कि एक बार जग जाओ 4 बजे 3 बजे जितना भी, और एक बार जग जाओगे तो फिर दोबारा आप सोने जाओगे ना, तो बस करवटे बदलते रह जाओगे, नींद तो आना ही नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे आलू की भाजी बना ली, और मैंने आटा भी लगा के ही रखा था कल, तो मैंने फिर उसे निकाल, मतलब जब मैं सालन चढ़ा रही थी तो तभी मैंने आटा को निकाल दिया था कि थोड़े वो सॉफ्ट हो जाते क्योंकि वो फ्रिज में होते। और आप में से कौन कौन है मेरे जैसे कि पहले पेड़े बना लेते उसके बाद रोटी बनाते, क्योंकि हमें आसानी होती है, क्योंकि पेड़े बनाते टाइम ना हमारे सारे उंगलियों में आटे लग जाते हैं, मुझे वैसे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता। जबकि हमें कम ही बनाने होते हैं, फिर भी मुझे वैसे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता, तो मैं ना वो ऐसे ही करती हूँ। फिर हाँ जी, मैंने बनाई रोटियाँ, और फिर मैं आज जल्दी जल गई थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं आज काम भी कर लूँ, थोड़ा डीप क्लीनिंग कर लूँ, तो मैंने वही किया। सोच रही थी, मतलब सफाई तो घर की डेली होनी है, मतलब सफाई आप तो झाड़ू पोछा कर ही लेते हो, पर एक डीप क्लीनिंग होती है ना रूम की, हॉल की, बाथरूम, टॉयलेट, किचन सबकी। मैंने आज पूरी सफाई की, और मैं बहुत थकी हुई, पर मेरी आवाज़ से आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि पूरा दिन भर, मतलब दिन में पूरा काम ही था, मैं रात तक थोड़ा बिजी थी। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह रात का भी खाना वाना के बाद फिर मुझे काम ही करना है, तो मैं काम ही कर रही हूँ, मैं कल के लिए वीडियो तैयार कर रही हूँ। उसके बाद मैंने नाश्ता वाश्ता बना लिया, फिर यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि मैं अपना भी खाना नाश्ता बना ही लेती हूँ, फिर उसके बाद जब काम में लग जाऊँगी तो उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। और वैसे भी आपको काम करते करते ना खाने का, मतलब आपको भी भूख भी लग जाओगे ना, तो आपको ऐसा दिल नहीं करेगा कि हम उस चीज़ से निकल के फिर खाना खाए, लगता है कि बस एक बार में मेरा काम जितना हो सके ख़त्म हो जाए। तो मैंने भी सोचा मैं जल्दी नाश्ता ले लेती हूँ, फिर 8:30 बजे रहते अभी, तो आपके मैंने जो कल चने बॉईल किए थे, तो मैंने आपको बोला था ना मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे, तो वो पुलाव भी थोड़ा बचा हुआ था नाश्ता में, तो वो शाकिरन को मैंने गर्म करके दे दिया, तो उसने खा लिया था। तो चने इतने भी ज़्यादा नहीं थे कि मैं दोबारा चावल पका सकूँ, तो मैं ना सैलेड में यूज़ कर ले रही हूँ, वो हेल्दी भी हो जाती है और अच्छी भी लगती है, टेस्टी भी लगती है। तो आपके पास था जो भी सब्ज़ी हो, आपके घर में जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो उसे आप काट लें, और उसके बाद आप एक बोल ले ले चना, उसमें सारी वेजेस आप अपनी डाल दें, आप अपने हिसाब से मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हो। मैं मुझे तीखा ऐसे कच्ची मिर्ची नहीं खा सकती मैं, तो मैं वो नहीं खाती। तो मैं जिस बोल में मेरे चने थे ना, तो मुझे वो छोटे लग रहे थे कि जब मैं अपनी सब्ज़ियाँ डालूंगी ना तो वो कम हो जाएंगे, तो मैंने दूसरे बोल में सब्ज़ी ट्रांसफ़र कर ली। अब इसी में ना मैं चने ऐड कर लूँगी, और उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से कोई भी सीजनिंग डाल सकते हो, आप यहाँ पर ना पनीर भी ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत टेस्टी लगती है, पर मेरे घर पे पनीर नहीं थे तो मैंने वो ऐड नहीं किया। यहाँ पे मैं फिर चाट मसाला डाला मैंने, अब इसमें मैंने बोला ना आपको सीजनिंग आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैंने चाट मसाला डाला, नींबू डाला, पर आप कोई भी सीजनिंग डालो लेकिन ब्लैक पेपर ज़रूर से डालना क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर सबसे ही अच्छा होता है। फिर मैंने ब्लैक पेपर डाला, उसके बाद मेरे घर पे ऑरिगेनो पड़े थे तो मैंने सोचा वो यूज़ कर लूँ, और वैसे भी मुझे उसकी टेस्ट ना अच्छी ही लगती है, तो मैंने वो ले लिया। उसके बाद ना आज मुझे ऐसे किचन में ही थी, किचन में तो रोज़ ही होती है, तो गर्मी लगती है, पर मैंने सोचा क्या मैं आज चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं तो फिर मुझे तेज़ गर्मी लगेगी, तो मैंने सोचा आज मैं कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो हाँ जी, मैं बहुत ही इजी वाली कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ, वो होती है ना कि आप 5 मिनट तक लेके उसे हिलाते रहो, पहले उसको एक फॉर्म में लाना पड़ता है, वो नहीं, थोड़े से वार्म वाटर और मिल्क नहीं सॉरी
चीनी और अब कॉफ़ी लेके ऐसा चम्मच से मिक्स 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 करते रहो, उसको एक पेस्ट जैसा बना लो। उसके बाद फिर आप उसे उसमें दूध ऐड करके मिक्स कर सकते हो, और वो 5 मिनट से 10 मिनट में बनती, और ये 2 मिनट में भी नहीं बनती। आप अपने हिसाब से मीठा ले लो, आपको मीठा नहीं चाहिए तो आधा दूध मिला दो आधा पानी, आपको पूरा दूध चाहिए तो आप पूरा ले लो। मैं वैसा वाला नहीं पीती क्योंकि मुझे बहुत गाढ़ी गाढ़ी लगती है, तो मुझे वैसे कॉफ़ी नहीं पसंद है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी ली है अपने मीठे के हिसाब से, उसमें चिल्ड दूध डाला, चिल्ड वाटर डाला, उसके बाद फिर मैंने क्या डाला, कॉफ़ी डाला, उसे मिक्स मिक्स किया। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाश्ता कर लिया। फिर मैंने यहाँ सोचा कि किचन से ही स्टार्ट करती हूँ, बर्तन तो निकल ही गए थे, तो मैंने सोचा नाश्ता के बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रूम से अपना क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैंने किचन की सफाई कर ली जो भी करना था मुझे, उसके बाद हाँ जी आज मुझे धोनी थी चादरें घर की, मैंने मतलब सारे बेडशीटें निकाल दी थी क्योंकि मुझे आज वो धोनी थी। 1 वीक हो गई थी, मैं 1 वीक में अपनी चादरें चेंज करती हूँ क्योंकि वो ना हमारे घर की मशीन ख़राब है और अभी मुझे धोनी पड़ती है हाथ से, तो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि वो मतलब पानी में जाने के बाद इतने भारी हो जाते हैं, लगते हैं क्या मतलब उसका 200-300 किलो ऐसे ही पड़ गया, तो बहुत मुझे दिक्कत होती है। और फिर भी काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा, जब आपके घर पे कोई नहीं हो तो आप वैसे भी अपना काम तो अपने से ही करना चाहिए खुद, और आप जितनी साफ सुथरी तरीके से कर सकते हो। और मुझे आज कहीं जाना भी था क्योंकि मेरी फूफी है, मेरी बड़ी फूफी की छोटी लड़की की कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, तो वो फूफी के घर पे ही आई हुई थी, तो वो उनके आए 1 दिन हो चुका था, मैं उनसे मिलने नहीं गई थी, तो मुझे उनसे भी मिलने के लिए जाना था। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि मेरे काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मैं उनसे मिलने जाऊँगी। फिर हम पर मुझे काम करते करते ख़त्म करते करते शाम ही हो गए थे। फिर यहाँ पे मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया, उसके बाद फिर मैंने फ्रेश हो गई, तो मैं जब लगाने जा रही थी मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ डेली। तो मैं रोज़ वाटर, सिंपल वाले रोज़ वाटर, कोई मिक्स वाले नहीं, जो रोज़ वाटर होते हैं वो मैं डेली यूज़ करती हूँ, डेली मतलब 2 से 3 बार भी यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद वो एक मैं पॉन्ड्स की क्रीम लगाती हूँ क्योंकि ना मुझे पहले पिंपल्स प्रॉब्लम थे बहुत ज़्यादा, मुझे इतनी एक्ने होती थी, इतनी ज़्यादा होती थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह अब मतलब 1.5 साल से मेरी स्किन क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद में सर में अपने बालों में सीरम यूज़ करती हूँ क्योंकि आप सीरम यूज़ करके आप कॉम करते हो ना तो वो आपके बाल टूटते कम है, बाल तो फिर भी टूटने ही है। उसके बाद ये सब काम करते करते फिर मैं फ्रेश हो गई, उसके बाद बज रहे थे 3:30, मुझे भूख लग गई थी और मैं खाना भी नहीं बना पाई थी, तो लेफ्ट ओवर राइस रखे हुए थे, और उसके बाद तो मैंने सोचा कि इसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने एक अंडा दौड़ा और फ्राइड राइस डाला, उसमें थोड़ी सी चीज़ भी डाल दी थी, और चावल को मिक्स मिक्स कर लिया मैंने, 2 मिनट तक उसे भूना, और सच में वो बहुत टेस्टी बन गई थी। तब तक 4:30 तक शाकिन आ गई थी, उसके स्कूल ऑफ हो गया था, तो वो मुझे कार्ड ला के दिखा रही थी कि उसके फ्रेंड ने दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी माशाल्लाह इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैं फूफी के घर गई, उसके बाद वहाँ मुझे सब ने बैठा लिया, 8:30 बज गया। फिर मैं वहाँ से ही जल्दी जल्दी खाना बनाने थे, मुझे एकदम हिम्मत नहीं थी कि मैं रोटी बनाऊँ, मैंने रोटी नहीं बनाया, मैंने चावल बनाया और मैंने सालन बना लिया उसके बाद। हाँ जी, तो अगर आपको मेरी वर्ड कुछ ख़राब लगते हैं उसके लिए सॉरी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।